सो गाइस फाइनली नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी हमारा 2023 का पहला मंथ, इसमें टेक का सबसे बड़ा महायुद्ध होने वाला है क्योंकि रेडमी निकालने वाला है अपना नोट 12 प्रो प्लस और इसका नाम रखा गया है सुपर नोट। और जितने स्पेक्स के बारे में हमें पता है ना जो चाइना में आ गया है, अगर वो इंडिया में सेम आ रहा है जो कि लग रहा है कि सेम आने वाला है, डिजर्व करता है सुपर नोट कहलाना। एंड मार्केट में ऑलरेडी द सुपर कर्व्ड फोन अवेलेबल है यानी कि हमारा रियलमी 10 प्रो प्लस। तो देखो हर बार रियलमी और रेडमी के जो नंबर सीरीज और नोट सीरीज है दोनों भिड़ते हैं और इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और फायदा किसका? आपका, कस्टमर्स का। ये भिड़ेंगे तभी तो आपको दो दो बड़े बड़े ऑप्शन मिलेंगे। तो रियलमी ने ऑलरेडी धूम मचा दी है मार्केट के अंदर, ये फोन काफी ज्यादा तगड़ा है और काफी ज्यादा बिक भी रहा है, बहुत से लोग रेडमी की नोट सीरीज का वेट कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं रेडमी नोट सीरीज में एक्चुअली हमें क्या देखने को मिलने वाला है एंड कैसे इस फोन को थोड़ा सा खतरा हो रहा है, बट क्या रेडमी इसको प्रॉपरली फेल कर देगा, ये थोड़ा सा पता लगाते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले आपको एक चीज करनी है, 2023 की स्टार्ट आ रही है तो हमें सब्सक्राइब कर दो कि बहुत बेहतरीन काम होने वाला है। स्टार्ट करते हैं लुक्स के साथ। रियलमी ने जैसे कि इस बार टोटल की लुक्स को एकदम चेंज करा है अपने फोन में, ये जो फोन है ना बिल्कुल ही अलग लगता है और नंबर सीरीज में या फिर रियलमी के कोई भी फोन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। तो फ्रेश लुक्स के साथ आए और बहुत अमेजिंग लगता है ये फोन, बट एक डाउनग्रेड किया गया। पहले 9 प्रो प्लस जो है ना वो ग्लास के साथ था बट अभी प्लास्टिक के साथ आ रहा है। तो रेडमी जो है वो अगर मैं बात करूं लुक्स की तो वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, लुक्स में कोई खास चेंजेस नहीं होने वाले। रेडमी अपना जो K50i में डिजाइन लाया था सेम वही नोट सीरीज में डाल रहा है। सही बात हो, इस डिजाइन को देखकर मैं थोड़ा सा बोर हो चुका हूं, बट स्टिल एक चीज की यहां पे डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं कि वो फोन आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। देखो कहां यहां पे प्लास्टिक बैक है, फील तो अच्छी देता है बट रेडमी हमें दे रहा है ग्लास बैक, और ग्लास बैक पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है और इवन की प्रीमियम फील देती है और इस चीज से तो सभी एग्री करेंगे। बट एक चीज ये है कि ग्लास बैक टूटने का खतरा ज्यादा रहता है और प्लास्टिक बैग जो है उसका टूटने का खतरा जो है वो कम रहता है। बस स्टिल अगर मुझे कुछ प्रेफरेंस अगर देखनी हो तो मुझे ग्लास बैग ज्यादा अच्छी लगती है। देखो लुक्स के बारे में तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देखनी है कि कौन सा फोन ज्यादा सुंदर लग रहा है और वो आपको मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। बट एक और चीज, इस बार का नोट जो है वो अभी तक के नोट्स में सबसे ज्यादा पतला होने वाला है और सेम चीज हुई थी इसके साथ भी। 10 प्रो प्लस अपनी नंबर सीरीज में सबसे पतला फोन है। जरा बैग से देखो तो सही कितना सुंदर लगता है। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डेफिनेटली रियलमी जो है वो शाइन करता है। बजट के अंदर ऐसी डिस्प्ले हमें देखने को नहीं मिलती है। ये जो प्राइस रेंज में आया 125,000 कर्व्ड डिस्प्ले तो आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये AMOLED डिस्प्ले है, कर्व्ड डिस्प्ले है। भाई इन्होंने दिल जीत लिया। कर्व्ड होने के कारण ना होल्ड भी अच्छा हो जाता है, फोन और भी स्लिम लगता है और भी कंफर्टेबल लगता है। बट इसका जो यहाँ पे मीडिया कंटेंट देखने का मजा है वो कुछ अलग ही है। प्लस यहाँ पे बेजल्स बहुत ज्यादा पतले है और अगर नीचे की साइड की बात करूं तो चिन भी छोटी है S22 अल्ट्रा से पतली है और इवन की यहाँ पे जो ऊपर का बेजल है वो भी छोटा सा है। ओवरऑल बेजलेस वाला लुक आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। बट अगर मैं बात करूं नोट की तो आप सोचोगे डिस्प्ले में तो रियलमी ने बाजी मार ली, बट नहीं, उसके पास अपनी स्पेशलिटीज है। देखो वो भी 120Hz का AMOLED डिस्प्ले आएगा बट वो फ्लैट होगा, बट वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट होने वाला है। इल्यूजन किस बात का? ऊपर का बेजल नीचे का बेजल एकदम बराबर होने वाला है। अब उससे क्या होगा, आपको जो मीडिया कॉन्टेंट आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट बेजललेस है, बिगर डिस्प्ले लगती है। ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं ऑल बी फोन में। अगर कर्व्ड फोन नहीं है तो बेजल जो है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए और इवन की साइड के बेजल जो है वो भी काफी पतले। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली रियलमी में ज्यादा बेजललेस वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। बट एक और चीज, रियलमी के अंदर डॉल्बी विजन नाम की चीज नहीं मिलती है, आपको रेडमी प्रोवाइड करेगा। तो जो डॉल्बी विजन वाला कंटेंट है वो आप रेडमी के फोन में देख पाओगे। एक और फायदा बताता हूं, रेडमी यहां पे क्लेम करेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास और वो की रियलमी में नहीं है। रियलमी ने टफर ग्लास दे दिया है, अब ये कितना टफ है मुझे नहीं पता है, बट अगर मुझे कोई चूज करना हो मैं डेफिनेटली रियलमी की इस डिस्प्ले को चूज करूंगा क्योंकि ये जो कर्व्ड डिस्प्ले है ना ये मेरा बचपन का प्यार था। जी हाँ, जब सैमसंग कर्व डिस्प्ले देता था ना तो ऐसा लगता था यार इस डिस्प्ले को चलाने को मिल जाए, और रियलमी ने आज के टाइम पे कम प्राइस के ऊपर इसको अवेलेबल करवाया और बहुत से लोग जो कि पैसा नहीं ज्यादा खर्च सकते थे वो आज के टाइम पे कर्व डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। अच्छा, रियलमी के पास एक और एडवांटेज भी है, वो है PWM डिबिंग की। अभी इसके साथ क्या होता है, आपकी आईज के ऊपर स्ट्रेस कम पड़ता है जो कि AMOLED डिस्प्ले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर रियलमी डेफिनेटली हेल्प भी करता है। मैं इसको डे टू डे में यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कभी आई स्ट्रेन नहीं हुआ है और आज तक AMOLED डिस्प्ले के साथ मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है।
और मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना PWMDB की, आने वाले और भी फोन्स के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी है। तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों ही फोन बहुत ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करने वाले, क्योंकि दोनों में ही MediaTek Dimensity 1080 है। देखो, अभी Realme के 9 Pro Plus में जो 920 था, उससे ये बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, बट अगर मैं बात करूं Note सीरीज में Snapdragon 695 आया था, उससे तो बहुत बड़ा वाला जंप हो गया है। बट बात करें कॉम्पिटिशन की, तो दोनों आपस में तो यार बहुत ज्यादा सिमिलर रहेंगे। बात कर रही है वो करेंगे हम ऑप्टिमाइजेशन की। तो जब Note सीरीज इंडिया में आएगा, वो कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है वो डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। Redmi बहुत ज्यादा हाइप पर आने वाला है एक और पॉइंट को लेकर, वो है उनके कैमरा। Realme ने हमें Samsung का 108 मेगापिक्सल प्रोवाइड किया है इस बार, बट हमें Xiaomi देने वाला है Samsung का 200 मेगापिक्सल का कैमरा। जी हाँ, 200 मेगापिक्सल, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आने वाले टाइम में इवन की हमें 400 मेगापिक्सल भी देखने को मिल सकता है। बट यार हाइप तो क्रिएट होगी 200 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल की, बट देखने वाली बात ये होगी कि कौन बाजी मारता है फोटोज में। अब चाइनीज वर्जन जो है वो Xiaomi का बहुत तगड़ा है, Redmi Note 12 Pro Plus की यहाँ पे फोटोज काफी तगड़ी आ रही है, बट अभी तक हम कंपेयर नहीं कर पाए हैं इस फोन से, क्योंकि मेरे को इसकी भी फोटोज काफी अच्छी लगती है। बट एक चीज का एडवांटेज बोलूंगा जो कि Redmi अगेन बहुत ज्यादा ब्रैक करेगा, वो है OIS। OIS देखने को मिलने वाला है Redmi Note 12 Pro Plus में, और ये जो OIS बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है अकॉर्डिंग टू Redmi। देखते हैं कौन जीतता है, 108 या 200 मेगापिक्सल। हाँ, Redmi ने एक और चीज क्लेम करी है, वो है IP53, यानी कि स्प्लैश प्रूफ देखने को मिल रहा है, बट Realme ने कुछ ऐसा नहीं बोला है। नाउ एक और चीज है जिसके ऊपर Redmi बहुत ज्यादा ब्रैक करने वाला है, कि हमारे पास यहाँ पे 120 वॉट की चार्जिंग भी है। हाँ, Realme का फोन भी 80 वॉट के चार्जर के साथ आता है, कम नहीं है, बट इसमें सपोर्ट सिर्फ 67 वॉट की है। अभी ये वाली कैपिंग क्यों की मुझे समझ में नहीं आता, बट Redmi आपको प्रोवाइड करेगा 120 वॉट का चार्जर, सपोर्ट भी 120 वॉट का। द बात पता कहां पे आगे रुकेगी, वो होगी प्राइसिंग के ऊपर। अब ये फोन जो है हमें अंडर 25,000 रुपीस देखने को मिल जाता है विद ऑफर्स, और अगर मैं बात करूं Redmi की, तो सुनने को आ रहा है कि वो फोन भी इंक्लूडिंग ऑफर्स 25,000 में देखने को मिलेगा। या फीचर्स को देखते हुए तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस इस बार बढ़ेगा, पर देखते हैं एग्जैक्टली प्राइस कितना आता है। पर अगर मैं बात करूं Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro Plus में, मैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये तो मैं चला के बड़ा मजा आ ही रहा है, मैंने फुल रिव्यू दे दिया है, वो आप जरूर से चेकआउट कर लेना। बट अगर मैं बात करूं ये फेल हो रहा है फोन Redmi के सामने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी अपनी एडवांटेजेस है, जैसे इसकी डिस्प्ले आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी 25,000 में ऐसी वाली। कैमरा काफी सही है, और इसका जो बैटरी बैकअप है वो तो इनसेन है। ओवरऑल ये काफी स्टर्डी डिवाइस है, और जो हॉट गेम्स वाली प्रॉब्लम है वो भी मैं देख रहा हूँ कुछ देर से मुझे नहीं आ रही। और वही मैं बात करूं Redmi की, तो वहां पर एक अनदर ऑप्शन आएगा जहां पे हमें डिस्प्ले फ्लैट तो होगी बट डॉल्बी विजन होगा। परफॉर्मेंस दोनों में लगभग सेम होगी, पर आपको चूज करना होगा Realme UI और MIUI में। और 200 मेगापिक्सल की हाइप कितनी तगड़ी है वो तो अभी हम देखेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे आप किसकी साइड हो, Redmi की या Realme की। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्टे के गाइस, बाय बाय।